गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग इस समय मिड टर्म एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे और सेमेस्टर एग्ज़ाम का भी टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के द्वारा घोषित किया जा चुका है। आप उस संबंध में भी तैयारी कर रहे होंगे। ऑलरेडी मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं कि उनको कुल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे ट्रेडिशनल तरीके में तो आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन अब NEP में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 3 जो ट्रेडिशनल, जिनको आप मेजर सब्जेक्ट कहते हैं, 1 माइनर सब्जेक्ट और 2 को करिकुलर और स्किल डेवलपमेंट। इस संबंध में मैं अपने पुराने वीडियो में हर चीज़ को समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन देने हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का है। आज मैं सिर्फ को करिकुलर कोर्स के बारे में डिस्कस करूँगा 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए। 2022-23 में इस समय 2 सेमेस्टर्स चल रहे हैं, एक तो सेमेस्टर 1 और दूसरा सेमेस्टर 3। तो ये को करिकुलर कोर्स दोनों ही स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इसलिए मैं एक साथ ही सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 यानी कि जो UG फर्स्ट ईयर में है और UG सेकंड ईयर में है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन आवश्यक है। और आज मैं को करिकुलर कोर्स में कैसे क्या करना है और जो आपके प्रश्न आए हैं या आप बराबर पूछते रहे हैं, जानना चाहते हैं, उस संबंध में कुछ बातें करूंगा। सर्वप्रथम तो असाइनमेंट आपको दिए जा चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के ही बच्चों को मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ। दोनों के असाइनमेंट अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के कोर्स अलग अलग हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ रहे हैं आप, हाइजीन, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और थर्ड सेमेस्टर में आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो एक में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स हैं। कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, BSc में भी कोई बायो से है, कोई मैथ से है। तो जिसको जो अच्छा लगे, साइंस का स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि उसको साइंस के टॉपिक्स अच्छे लगेंगे। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्ट्स का टॉपिक अच्छा लगेगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक अच्छे लगेंगे। तो उस आधार पर हर प्रकार के टॉपिक्स उन क्वेश्चंस में हैं, उनमें से किसी एक पे आपको 1500 शब्दों का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना है। अब प्रश्न ये आ रहा है, और ये असाइनमेंट आपका टोटल 25 मार्क्स का है। इस 25 मार्क्स में 9 मार्क्स आपको पाना आवश्यक है, कम से कम 9 नंबर। यदि 9 से कम रहेगा तो आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आप फेल घोषित किए जाएंगे, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इस वजह से यह प्रयास करिए कि पहली बात तो टाइम से यह जमा हो जाए। समय कब जमा करने का आएगा उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मिनिमम 9 मार्क्स आपको पाने हैं। अब प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की कॉपी आपको इसके लिए लेनी है। तो कॉपी, वैसे तो आप स्वतंत्र हैं कि कोई भी कॉपी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे जमा होती है वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जमा करें। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने का देखिए एक तो तरीका ये है, इसमें आप स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं। फ्रंट पेज पे जैसे को करिकुलर सिलेबस लिखा है, आप को करिकुलर कोर्स लिख सकते हैं। सेकंड पेज पर आप अपना नाम, पता, टाइटल सारी कुछ देंगे, इसको आप स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं। या फिर आप A4 साइज का पेपर कोई भी ले लें
और उस पे आप लिखते जाएं, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, जितने भी पेजेस रिक्वायर्ड हैं आप लिखेंगे, और फिर उसको 5 रुपए की जो प्लास्टिक फाइल आती है आप उसमें अटैच करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कॉपी पे जो भी कॉपी आप बनाएंगे उसमें आपका अपना नाम, पहले पेज पे आपका अपना नाम लिखा होना चाहिए, फिर कौन से क्लास के लिए, कौन से सेमेस्टर के लिए आप जमा कर रहे हैं वो लिखिए, कौन सा ईयर है, जैसे ये 2022-23 के लिए आप जमा करेंगे, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर आनी चाहिए। सेकंड पेज पे आप टाइटल और इंट्रोडक्शन या जो भी चीजें आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप लिखिए। सेकंड प्रॉब्लम आपको आ रही है कि कौन सा लैंग्वेज, किस भाषा में आपको लिखना है। तो लैंग्वेज जो भी आपको, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप इंग्लिश में लिखिए, आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखिए। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तीसरी आपकी समस्या है कि ये हाथ से लिखा हुआ होगा, हैंड रिटन होगा, या इस मटेरियल को आप टाइप करते हैं। हाथ से लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, टाइप करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा उसका लुक बेहतर आता है, पढ़ने वाले को आसानी होती है, और आप उसमें और बेहतर उसमें अपने आप को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पहली खासियत यह होनी चाहिए कि वो उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर होना चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन के बारे में आप परेशान हैं कि कब जमा होगा ये। डेट ऑफ सबमिशन आपको बताया जाएगा, उसके पीछे कारण यह है कि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का रोल नंबर नहीं आया है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का रोल नंबर तो वही रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे किसी न किसी कारणवश शायद थर्ड सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो पाएंगे, वो या तो फेल हो गए हैं या उन्होंने पढ़ाई अपने बीच में ब्रेक करी है, या जो भी कारण हो किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो जब तक वो फाइनल रोल नंबर मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक इस संबंध में आप कोई भी फाइनल डेट मैं अनाउंस नहीं करूंगा। कहाँ जमा होगा यह भी उसी समय आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे। थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको पहले से पता है कि पिछली बार कैसे जमा हुआ था ये असाइनमेंट। फिर असाइनमेंट बनाते समय आप लिख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उसमें यदि उस असाइनमेंट से संबंधित फोटोग्राफ्स वगैरह कहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं तो उसमें फोटोग्राफ भी आप उसमें ऐड करें, तो शायद आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या को करिकुलर कोर्स का मिड टर्म एग्जाम भी होगा। तो मिड टर्म एग्जाम जो असाइनमेंट आपका दिया जा रहा है ये 25 नंबर का है, 25 मार्क्स का है, तो इस असाइनमेंट को ही मिड टर्म एग्जाम माना जाएगा, इसलिए अलग से कोई मिड टर्म एग्जाम को करिकुलर कोर्स का नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम जैसे यूनिवर्सिटी कराती है उसी के हिसाब से 75 नंबर का सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। तो ये तो हुई कुछ मुख्य बातें असाइनमेंट से संबंधित। एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का असाइनमेंट अलग है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का असाइनमेंट अलग है, क्योंकि कोर्स अलग अलग है, और ये असाइनमेंट्स 25 नंबर के हैं, 25 मार्क्स के हैं, इसमें से कम 99 मार्क्स आपको जरूर पाने हैं। यदि एबसेंट हो गए या उससे कम नंबर पाए तो आप फेल हो जाएंगे, भले ही आप सेमेस्टर एग्जाम में पास हो जाए आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इस वजह से अपने असाइनमेंट को अवश्य जमा करिए। कॉपी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप फाइल में जमा करते हैं तो ये बेहतर होगा। फाइल वो चाहे 5 रुपए की ले लीजिए या स्पाइरल बाइंडिंग ले लीजिए, उसमें A4 साइज के पेपर अटैच कर लीजिए, जितना भी यूज हो रहा है उसको आप कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं। आप या तो हाथ से लिख के जमा करें या मैटर को टाइप करा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। डेट ऑफ सबमिशन कब जमा करना है इसके बारे में बात में अनाउंस करूंगा। एक चीज जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना नाम, क्लास, सेमेस्टर, ईयर, रोल नंबर कॉपी के फ्रंट पेज पे, फाइल के फ्रंट पेज पे अवश्य लिखिएगा।
आप अपने मटेरियल में फोटोग्राफ्स का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रेजेंट करने के लिए। मिड टर्म एग्जाम कोई भी नहीं इसका आयोजित किया जाएगा। मिड टर्म एग्जाम मतलब असाइनमेंट है इस कोर्स में, और सेमेस्टर एग्जाम 75 नंबर के अलग से यूनिवर्सिटी एग्जाम के दौरान किसी दिन होंगे। धन्यवाद।